हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। दोस्तों, थंबनेल देखकर बिल्कुल भी घबराइएगा मत। मैं क्या सोच रहा था जब ये मैंने देखी सीरीज, या क्या मेरी मनोदशा थी, ये सब आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगेगा, इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सारा कुछ निकलेगा सामने। सो क्रिमिनल जस्टिस लास्ट ईयर एक सीरीज आई थी जिसने हॉटस्टार का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया, बहुत क्लास वेब सीरीज थी। अब उसे देखने के बाद हर दूसरे बंदे का यही सवाल था कि इसका सेकंड सीजन कब आएगा और कब हम माधव मिश्रा को एक नए केस में देखेंगे। और मेकर्स ने उनकी दिल खोलकर सुनी और बिल्कुल सेम एक प्लॉट या सेम एनवायरमेंट आई वुड से हमारे सामने लाकर रख दिया कि सिर्फ केस चेंज है यहाँ पर, बाकी आपको बहुत सारे चेहरे देखने को मिलेंगे जो आप पहले सीजन में भी देख चुके थे, लाइक माधव मिश्रा जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स आई वुड से, उन्हीं के दम पर पूरी सीरीज चल रही है। तो उनका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है, मतलब आप पंकज त्रिपाठी को देखेंगे ही नहीं, यहाँ पर आपको माधव मिश्रा ही देखने को मिलेंगे। अनुप्रिया गोयनका और भी एक दो चेहरे हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप लास्ट सीजन में भी देख चुके हैं। बहुत सारे नए चेहरे भी हैं जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो अगर क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स की मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो इसकी जो टैगलाइन है ये बिहाइंड क्लोज डोर्स, ये इस वाले सीजन के साथ बिल्कुल स्टिक बैठती है और बिल्कुल मतलब जस्टिफाई करती है इन 8 एपिसोड्स को। सो एपिसोड्स की बात हो गई है तो यहाँ पर टोटल 8 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड लगभग 40-45-50 मिनट का है, तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी सीरीज है। कहने का मतलब है कि अब हालांकि कंपैरिजन बनता तो नहीं है करना, किसी तरह का कंपटीशन नहीं है दोनों सीजन्स के अंदर, पहले वाला बिल्कुल अलग था ये बिल्कुल अलग है, लेकिन अब टाइटल सेम है। ये वाला जो 8 एपिसोड्स है ये भी क्रिमिनल जस्टिस के ही बैनर के अंडर लॉन्च किए हैं, प्रीमियर किए हैं, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ भी जाता है। और मैंने तो क्रिमिनल जस्टिस अभी कुछ टाइम पहले ही देखी है तो मैं तो उस माहौल में ही था अभी तक। सो कंपैरिजन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ही बहुत सॉलिड कंपैरिजन बन जाता है। तो अगर मैं एक लाइन के अंदर आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो ये वाला जो सीजन था पिछले सीजन से आई वुड से 20% और 25% इससे ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे वो फिर डायलॉग्स की बात हो, चाहे फिर वो केस की बात हो, चाहे फिर वो जो कोर्ट रूम ड्रामा है, मतलब सब कुछ मिला के, चाहे वो जेल की जो लाइफ दिखा रखी है वो हो, चाहे वो बाहर का जो स्ट्रेटजीज चल रही हैं वो सब कुछ मिला के ये वाला सीजन उस सीजन के 20% या 25% ही था। तो कैसा है क्रिमिनल जस्टिस का सेकंड सीजन बिहाइंड क्लोज डोर्स, और क्या आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और क्या क्या कमियां और खूबियां जो मुझे लगी मेरे अकॉर्डिंग, वो सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट की, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, ट्रेलर में जो दिखाया गया मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा कि स्पॉइलर कोई ना निकले। तो यहाँ पर भी एक मर्डर का ही केस है, स्टैबिंग का ही केस है। पत्नी जो अनु चंद्रा है प्लेड बाय कीर्ति कुलारी, वो अपने पति विक्रम चंद्रा यानी कि जीवसेन गुप्ता का मर्डर कर देती है, जैसा कि ट्रेलर में दिखा रखा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है इस पूरे सीजन के अंदर कि ओपन एंड शट केस तो ये है ही कि मर्डर अनु चंद्रा ने ही किया है, और ट्रेलर में अगर आप देखेंगे तो वो कन्फेस भी कर चुकी हैं दैट शी इज गिल्टी। तो बात तो यहाँ पर कुछ रह नहीं गई करने वाली, बट बात यहाँ पर ये यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। तो जो क्यों क्वेश्चन था इसके ऊपर पूरे के पूरे 8 एपिसोड चलते हैं, या आई वुड से कि लास्ट के 6 एपिसोड चलते हैं, शुरुआती 2 एपिसोड नहीं है। तो अब अनु चंद्रा आ चुकी हैं पुलिस की हिरासत में, आए वो खुद अपना कन्फेस कर लेती हैं और वो जेल में चली जाती हैं। अब माधव मिश्रा जिनकी लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, जो अपनी इचिंग की जो प्रॉब्लम थी उनकी बीमारी थी उससे तो निजात पा चुके हैं, पर एक और बड़ी बीमारी उनके साथ चिपक गई है, उनकी सेंस में उनके मतलब जो सोच है उनकी थोड़ा इस सीरीज में दिखा रखी है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। एंड दैट वेरी डे मतलब उनकी शादी वाले दिन ही जब उनकी वेडिंग नाइट होती है तभी उनके पास फोन आ जाता है कि आपके पास एक केस है अगर आप लड़ना चाहते हैं तो। एंड ही इज वेरी प्रैक्टिकल मैन, वेरी ऑनेस्ट अपने काम को लेकर, तो वो वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं मुंबई अपने गाँव से और एक केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो क्लाइंट है यानी कि जो एक्यूज्ड है अनु चंद्रा, वो उनके फेवर में नहीं है, वो उनकी बात नहीं सुन रही, वो सिर्फ अपने आप को गिल्टी ही मान रही है। अब माधव मिश्रा के लिए प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा खड़ी हो जाती है, क्योंकि लास्ट सीजन में तो जो उनके क्लाइंट थे यानी कि विक्रांत मैसी जिन्होंने आदित्य शर्मा का रोल प्ले किया था, वो तो कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है, इसलिए उनके पास एक एजेंडा था और वो इसकी तफ्तीश करने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो उनकी क्लाइंट है जो एक्यूज्ड है वो तो मान रही है कि उन्होंने ही किया है, और पिछले सीजन की तरह यहाँ पर भी सारे के सारे सबूत अनु चंद्रा के अगेंस्ट ही जाते हैं। सो माधव मिश्रा के लिए है तो बहुत मतलब चेतावनी वाला काम है, एक बहुत बड़ी टक्कर है उनके लिए। फिर उनका साथ देती हैं अनुप्रिया गोयनका, और वो फिर किस तरह से लड़ते हैं और क्या फैसला आता है, कैसे जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, या ये सब हुआ कैसे था या क्यों हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यों ऐसा किया अनु चंद्रा ने, तो इस सब के ऊपर ये सारे के सारे यानी कि 8 एपिसोड्स बेस्ड हैं। तो दोस्तों ये तो थी प्लॉट की बात, लेकिन अगर जो सबसे बड़ी कमी है सीरीज की वो ये है कि मर्डर पहले ही एपिसोड के अंदर हो जाता है, दूसरे एपिसोड के अंदर आपको कहीं ना कहीं रीजंस भी दे दिए जाते हैं। अब जो बाकी के 6 एपिसोड्स हैं वो आपको इतने लंबे लगते हैं और आपके पेशेंस को मतलब बार बार टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि वही चीजें हैं 4-5 दे रखी हैं इन्होंने, और वो खींचते चले जाते हैं खींचते चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाकर 7th एपिसोड में 8th एपिसोड में कुछ गेम चेंज हो जाती है, उन्हीं सबूतों पर बात हो रही है और उन्हीं सब लॉजिक्स पर बात हो रही है,
तो आपको लगता है यार कुछ भी गेम में चेंज नहीं है, तो ये चीज तो आप सेकंड या थर्ड एपिसोड में कभी भी खत्म कर सकते थे या फोर्थ एपिसोड में, लेकिन ये जो लास्ट के चार एपिसोड खींचे गए हैं ये लिटरली खींचे गए हैं आई वुड से, बहुत बुरी तरह से ड्रैग्ड है ये सीरीज ये सीजन आई वुड से, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इसका और वीकेस्ट पॉइंट है इस सीरीज का। और हाँ कुछ अच्छी बातें भी हैं सीरीज के बारे में, लाइक फेमिनिज्म को बहुत अच्छे से फेवर करती है ये सीरीज, हर पहलू को छूती है, मतलब चाहे वो लोअर क्लास को ले लीजिए आप, चाहे मिडिल को चाहे अपर क्लास को, कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक अब्यूज है जो फिजिकल अब्यूज है उसको बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है, बट आई वॉन्ट से कि बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो जो एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस है, मेंटली जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या अब्यूज जिसे हम बोल देते हैं, वो किस तरह से और किन लेवल्स पर होता है इसको काफी हद तक खोलकर सामने रखा गया है। और जो इस तरह के घर होते हैं चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे बहुत अमीर घराने हो चाहे बहुत गरीब घरों में हो, उन फैमिलीज के बच्चों पर क्या असर पड़ता है ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है पार्ट, लेकिन हर पार्ट की प्रॉब्लम वही है जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा खींचा गया है और मुझे तो लिटरली काफी ज्यादा बोरियत महसूस हो रही थी। मतलब पेशेंस आप ये देखिए कि आठवां एपिसोड है उसके लास्ट के 20 मिनट हैं जहां पर आपको काफी चीजें बताई जाती हैं, और जो कीर्ति कुलारी का करेक्टर है हालांकि एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है, बट उनके करेक्टर को मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग बना दिया गया, वो जुबान ही नहीं खोलती हैं और आपको लगता है कि यार अब तो प्लीज बोल दे, एंड मतलब आप बुरी तरह से इरिटेट हो जाते हैं उनसे और आपको मैडनेस वाला फीलिंग आती है कि यार अब बस बहुत हो गया, अब नहीं बोल रही है बंदी। तो उनका जो एटीट्यूड है वो वैसा ही रहता है और बहुत अच्छे से उन्होंने आपको निचोड़ता है। तो जो करेक्टर स्केचिंग हुई है उनकी, उसमें मुझे भारी कमी लगी, जो कि डायरेक्शन का भी एक पहलू होता है। सो लाइक लास्ट सीजन यहाँ पर भी दो तरह की जिंदगी दिखा रखी है कि एक जेल के बाहर और एक जेल के अंदर, की जेल के अंदर किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह के काम चलते हैं और जेल के अंदर की लाइफ होती क्या, स्पेशली लेडीज की, क्योंकि यहाँ पर लेडीज जेल को ही कवर किया गया है और सारा फोकस वहीं पर है। तो कहीं ना कहीं पर चीजें वहां से उठाने की कोशिश की है जो पहला सीजन था, तो वो आपको लगती है कि यार यहाँ पर भी एक है जेल के अंदर गुंडा या गुंडी, वो सारा कुछ चला रही है और उसके थ्रू सारी गेम चल रही है, मतलब काफी सारा चीजें कॉपी करने की कोशिश की है बट वो उस लेवल तक कॉपी नहीं हो पाई कि आपको छू पाए। सो जो जेल के अंदर का सिनेरियो है, जेल के अंदर की सारी लाइफ दिखा रखी है, वो आपको मतलब काफी ऊपरी स्तर तक रखती है और आपको अंदर तक मतलब मजा नहीं आता आपको ओवरऑल देखने में। अगर मैं कहूँ तो जेल के बाहर की जो स्ट्रेटजीज है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसी लास्ट सीजन के अंदर थी, तो बहुत ज्यादा नयापन नहीं है यहाँ पर देखने में। तो गाइस अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेज की। माधव मिश्रा यानी कि पंकज त्रिपाठी, वो लग ही नहीं रहा मुझे कि ये कोई एक डेढ़ साल बाद कोई सीजन आया है क्रिमिनल जस्टिस का, ऐसे लग रहा था कि बैक टू बैक वो खत्म हुआ और ये शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट थे और बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्हें लगना चाहिए था, तो उनकी एक्टिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है। इनके अलावा आशीष विद्यार्थी जो कि इसके अंदर एज एन एंटेगनिस्ट या मैं कहूँ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, सो उनका काम मुझे जेन्युइनली काफी अच्छा लगा। मतलब पंकज त्रिपाठी और आशीष विद्यार्थी दोनों सामने खड़े थे कोर्ट के अंदर एंड लिटरली आशीष विद्यार्थी किसी भी एंगल से कम नहीं लग रहे थे। मतलब जब वो आते थे स्क्रीन के ऊपर तो लगता था कि यार बंदे में दम है, और जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी थी, जो इम्पैक्ट वो डाल रहे थे, सो आशीष विद्यार्थी का काम भी काफी बढ़िया है। अनुप्रिया गोयनका का करेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही है लाइक पंकज त्रिपाठी, वो भी बिल्कुल उसी गेटअप में है, तो उनका काम भी मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। सो इनके अलावा जिशु सेन गुप्ता का कैमियो है, ठीक ठाक कैमियो है, उनका कुछ खास डायलॉग्स नहीं है उनके पास या है ही नहीं आई वुड से। एंड दीप्ति नवल, उनका काम भी ठीक ठाक है। इनके अलावा जो सारी स्पोर्टिंग कास्ट है जो लास्ट सीजन के अंदर भी थे, सबने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है। डायरेक्शन की बात करूं तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर इसी चीज का है, चेंज ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि जो लास्ट सीजन था दैट वाज डायरेक्टेड बाय विशाल फ्यूरिया, व्हाइल दिस सीजन इज डायरेक्टेड बाय रोहन सीपी, और उनके साथ एक और डायरेक्टर भी है, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम। तो डायरेक्टर्स का काम काफी ज्यादा था यहाँ पर, जो आपको भारी कमी लगेगी देखने में, क्योंकि विशाल फ्यूरिया की जो डायरेक्शन थी टॉप नोट डायरेक्शन थी आई वुड से। तो डायरेक्शन वाइज ये सीरीज में सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन का ही रहेगा। सो गाइस इसमें लास्ट वर्ड क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स, एक ओके सीरीज है जो आप फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज जो होता है उस वही सारा मुद्दा है इसके अंदर, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप शायद कंफर्टेबल ना हो फैमिली के साथ देखने में, बट यस आपको देख लेनी चाहिए क्योंकि एक एंगल आपको पता लगता है कि डोमेस्टिक अब्यूज होता क्या है, अगर आप किसी को मेंटली अब्यूज करते हैं तो वो होता क्या है। और लास्ट वाला सीजन था उससे तो बिल्कुल कंपेयर मत कीजिएगा इसे, एक फ्रेश सीरीज या फ्रेश सीजन की तरह देखने की कोशिश कीजिएगा इसे, आपका पेशेंस भी टेस्ट करेगी ये सीरीज, तो बीच बीच में आपको लगेगा कि आपको छोड़ देनी चाहिए सीरीज, बाकी वो आप पे है कि आप इसे देखना चाहते हो कि नहीं, बट ओवरऑल इट्स एन एवरेज वॉच, आप चाहो तो देख सकते हो ना चाहो तो छोड़ सकते हो इसे। सो गाइस ये थे मेरे क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स को लेकर रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द लास्ट रिव्यू। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।